नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज तारीख है आपकी 23 सितंबर 2021। शिक्षा संबंधित क्या सभी अपडेट हैं, एक एक करके सभी की बात करते हैं। तो सबसे पहली अपडेट आपको डीएलएड के संदर्भ में देखने को मिल रही है औरैया से, जहाँ पर डीएलएड की गणित परीक्षा का पेपर आउट हो गया है, ऐसा बताया जा रहा है। और ये केवल और केवल औरैया की ही बात की गई है। यहाँ पर क्लियर तरीके से लिखा है कि यहाँ पर जो परीक्षा है वो जिले में 2 केंद्रों पर आयोजित जो है वो की गई थी, और जो परीक्षार्थी हैं उन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल पेपर से मिलान पर इसकी जानकारी दी थी। परंतु जो डाइट प्राचार्य हैं उन्होंने क्या कह दिया है कि ऐसा कुछ नहीं है, पेपर आउट होने की बात से सीधे सीधे इनकार कर दिया है। साथ ही साथ इसमें यह भी बताया गया, बुधवार सुबह डीएलएड की थर्ड सेमेस्टर के चतुर्थ प्रश्न पत्र गणित की परीक्षा हुई थी। परीक्षा छूटने का समय 1 बजे निर्धारित था और परीक्षा शुरू होने से पहले पेपर आउट होने की जानकारी पर जो परीक्षा केंद्र है उसके आसपास फोटोकॉपी की दुकानों पर परीक्षार्थी जानकारी करते हुए जो है वो दिखे। शहर में कुछ दुकानों पर पेपर की कॉपी मिलने की भी चर्चा थी। सोशल मीडिया पर लगभग 12:30 बजे पेपर आउट दिखाया गया। दोपहर जो है वो 1 बजे तक तिलक इंटर कॉलेज की जो परीक्षा है वो छूटी, तो परीक्षार्थी जो है उन्होंने सोशल मीडिया पर जो वायरल पेपर था उससे मिलान किया, तो दोनों पेपर एक होने पर जो परीक्षार्थी उनको निराशा हुई। डाइट प्राचार्य जो गंगा सिंह राजपूत है उन्होंने क्या कहा है कि औरैया में कहीं भी डीएलएड परीक्षा का पेपर आउट नहीं हुआ है। प्रदेश के जो अन्य जनपद हैं उनमें पेपर आउट हुआ होगा, उन्होंने ऐसा कहा है। और सोशल मीडिया पर तेजी से चीज प्रचारित होती है, यही कारण है कि अन्य किसी जनपद से लीक होकर पेपर औरैया सोशल मीडिया पर जो है वो पहुंचा है। अगली न्यूज है, आज से लॉक करें कॉलेज चॉइस, डीएलएड के संदर्भ में है जो आपके एडमिशन के लिए, उसी के बारे में लिखा है कि मेरिट लिस्ट जो है वेबसाइट पर आपको देखने को मिलेगी। इसके संदर्भ में कल नोटिफिकेशन मैंने आपको दिखाया भी था यदि आपको याद होगा। इसमें तारीख नीचे लिखी है कि 22 सितंबर की शाम से संस्थान का जो विकल्प है वो ऑनलाइन भरकर आप जो है वो जो प्रक्रिया है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो जो भी इससे संबंधित है अपना कर लीजिएगा। और एक चीज यहाँ पर यह भी लिखा है कि जांच या आवंटित जो संस्थान है उसमें अभिलेख की जांच और प्रवेश की जो प्रक्रिया वो 27 सितंबर से 4 अक्टूबर को शाम 5 बजे तक जो है वो चलेगी। अगली न्यूज है आपकी, प्रयागराज समेत देश के सभी RRB और RRC बंद करने का जो प्रस्ताव है वो यहाँ पर देखने को बात की गई है। NTA के माध्यम से रेलवे जो नियुक्ति है उसकी तैयारी, देश में 21 RRB और 16 RRC हैं। RRB मतलब रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड जो है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। 1998 से RRB जो है नियुक्तियाँ कर रहा था, काफ़ी रेलवे की जो आप परीक्षा देखते हैं वो भी देखने को मिलता है, और रेलवे के स्कूल भी बंद करने की तैयारी, उस टाइप से भी प्रयागराज से न्यूज़ आपकी देखने को मिली है। अगली न्यूज है, 3 अक्टूबर को होगी स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा, प्रवेश पत्र जारी हो गए हैं। सुबह 11 से दोपहर 1 बजे के बीच जो परीक्षा है वो संपन्न होगी। एक पद पर 34 जो है वो दावेदार हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा है उसके बारे में बताया गया है। परीक्षा 3 अक्टूबर रविवार को जो है वो आयोजित होगी। अगली न्यूज है, पॉलिटेक्निक जो संस्थान है उसमें विभिन्न पदों की लिखित परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है उसे जारी कर दिया गया। ये हमारी सेकेंड लास्ट न्यूज है। इसमें भी लिखा है कि ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि है उस तक आयोग की वेबसाइट पर जो पाठ्यक्रम है वो जो है वो उपलब्ध रहेगा। अगली और इस वीडियो की लास्ट न्यूज देखते हैं। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो लाइक भी सभी लोग अवश्य कर दीजिएगा कि चयन बोर्ड पर जो प्रतियोगी हैं उन्होंने किया प्रदर्शन, कॉलेज आवंटन जो है उसको मिला आश्वासन, लेकिन कुछ और मुद्दों पर प्रतियोगी जो है वो जवाब से सहमत नहीं है। यहाँ पर जो एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती परीक्षा है उसके लिए परीक्षा नियामक प्राधिकारी जो उन्होंने की तैयारी, 1894 पदों की परीक्षा 17 अक्टूबर को, उसके बारे में भी यहाँ पर जो है वो लिखा गया है। और पर ये जो न्यूज़ थी इसमें यहाँ पर TGT और PGT जो है प्रवक्ता संवर्ग, उनके अन्य विषयों के चयनित जो करीब 1000 शिक्षक हैं उनको प्रबंधक जो है उनके द्वारा नियुक्ति नहीं दिए जाने का मामला है वो इस वाली न्यूज़ में बताया गया है। और भर्ती परीक्षा के 1 माह के भीतर आएगा रिजल्ट, ये आपकी जो न्यूज़ है ये आपकी जूनियर एडेड की जो परीक्षा है उसके बारे में जो है वो बताया गया है, जिसमें लिखा है कि 17 अक्टूबर को जो परीक्षा है वो करा करके 12 नवंबर को जो आपका रिजल्ट है वो देखने को मिलेगा। ये थी आपकी ओवरऑल अपडेट। इसी प्रकार डेली अपडेट पाते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल अवश्य ऑन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिएगा और लोग से शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।